हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजू नीटिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, बनाने में उतना ही आसान है। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल लो, जेंट स्वेटर, फुल बाजू, हाफ बाजू, जैकेट, लेडी स्वेटर, बच्चों का स्वेटर, कुछ भी बना सकते हैं। स्टॉल पे भी इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं, मफलर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इस डिज़ाइन का बहुत सुंदर लगेगा। ये फ्रंट साइड से ये देखिए ऐसे लग रहा है, और बैक साइड से ये देखिए, बैक साइड से ये ऐसे नज़र आएगा। बिल्कुल आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स, आपको पूरा बोल बोल के बताती जाऊंगी, आप मेरे साथ साथ ही बनाते जाना। बड़ी जल्दी बनके तैयार हो जाता है। इसको बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए होंगे, 14 के मल्टीपल से फंदे डालें, एक फंदा एक्स्ट्रा डालेंगे तो ये आपका डिज़ाइन बिल्कुल अच्छी तरह से सेट आ जाएगा। आप बनाने के लिए पहले ये देखिए बॉर्डर बनाया मैंने, अभी ऐसा ही बॉर्डर बना लें, उसके बाद फंदों को सेट कर लें। ये देखिए 14 के मल्टीपल से फंदे डालें और एक फंदा एक्स्ट्रा डालेंगे तो ये डिज़ाइन बड़ी अच्छी तरह से सेट आएगा। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एज स्टिच के फंदे एक्स्ट्रा से डालने होंगे। चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाना है आप मेरे साथ साथ ही बनाते जाना। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएँगे, पहला फंदा ये देखिए सीधा एस स्टिच का, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, 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 लास्ट वाला सीधा। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, 14 फंदे आ गए, दो फंदे एज स्टिच, पूरा डिज़ाइन ऐसे ही बनता जाएगा। आगे आगे आपने जितने फंदे हैं ऐसे ही डिज़ाइन सेट करते जाएं। दो फंदे एक्स्ट्रा एज स्टिच के लिए ज़रूर डालें तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल अच्छी तरह से सेट आ जाएगा। 14 के रो से 14 के मल्टीप्लाई से डाल दें और दो फंदे एज स्टिच के लिए डाल लें, डिज़ाइन सेट आ जाएगा। उल्टी रो, जो उल्टे बनाए थे उन्हें सीधा बना लेंगे, जैसे जैसे नज़र आ रहे हैं वैसे वैसे ही बना लें। जो सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें सीधा बना लें, जो उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें उल्टा बना लें। दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे, एक उल्टा, फिर से वैसे ही करेंगे, दो उल्टे, एक सीधा, ये हमारी थर्ड रो चल रही है।
थर्ड रो कंप्लीट, फोर्थ रो, जैसे जैसे जो नज़र आ रहा है वैसे वैसे ही बनाएंगे। फोर्थ रो कंप्लीट, फिफ्थ रो, ऐसे ही बनाते जाना है जैसे जो नज़र आ रहा है। ये हमारी फिफ्थ रो चल रही है, सिक्स्थ रो, सिक्स रो भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे नज़र आ रहा है वैसे ही बनाते जाना है। सेवन्थ रो, हमें एट्थ रो बनानी है, ये सेवन्थ चल रही है। अब लास्ट रो बनाएंगे, एट्थ रो तक हमें ऐसे ही बनाना है, दो उल्टे एक सीधा, उल्टी रो में दो सीधे एक उल्टा। अब ध्यान से देखना फ्रेंड्स, एक फंदा पहले उल्टा बना लेंगे, धागा इधर ही रखेंगे। अब ध्यान से देखिए, हमें ये वाले तीन फंदे छोड़ के जो आगे वाले तीन फंदे हैं उन्हें ऐसे सिलाई पे डालना है, फिर आगे वाले फंदे भी निकालने हैं और इस सिलाई पे लेने हैं, एक, दो और तीन। इन फंदों को आगे लाएंगे, इस सिलाई पे ले लेंगे। अब दूसरा फंदा भी उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये सीधा नज़र आ रहा है तो इसे सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, आगे वाला भी उल्टा आ रहा है, उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। ये देखिए उल्टा बना लिया। अब ये वाले फंदे फिर अदला बदली करेंगे, अब ये वाले फंदे पीछे से आगे लाएंगे, ये देखिए पहले आगे से लेके गए थे, अब पीछे से आगे लाएंगे और ये तीन फंदे आगे से पीछे लेके जाएंगे, एक, दो, तीन। अब एक फंदा और उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, अब दूसरा फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक इस साइड वाला उल्टा, धागा पीछे, लास्ट वाला सीधा। ये देखिए हमने ये वाला इस तरफ
टर्न किया, इसको बाहर की तरफ, दोनों को बाहर की तरफ करना है। उल्टी रो, फिर से वैसे ही बनाएंगे, दो फंदे पहले सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे 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 सीधे, लास्ट वाला उल्टा। जैसे हमने पहले डिज़ाइन में यहाँ पे बनाए थे फंदे, ये देखिए यहाँ पे बनाए थे, वैसे ही ऊपर आ गए, जैसे हमने टर्न किया ऊपर भी वैसे ही बन गए। अब फिर से हमें उतनी ही सिलाइयाँ जैसे हमने नीचे बनाई थी उतनी ही सिलाइयाँ ऊपर बना लेंगे। उल्टी रो में जैसे जैसे नज़र आ रहा है वैसे वैसे ही बनाते जाएंगे। एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, उल्टी रो, सामने नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए जो उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें उल्टा बनाएंगे, जो सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें सीधा बनाएंगे। एक उल्टा, दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे, लास्ट वाला उल्टा। फिर से वैसे ही करेंगे, दो उल्टे, एक सीधा, जितनी सिलाइयाँ नीचे बनाई हैं फ्रेंड्स उतनी ही ऊपर बनाएंगे। फिर से उन्हें फंदों को अदला बदली करेंगे, उतनी देर तक हमें ऐसे ही बनाना है, उतनी सिलाई बना के पहले कंप्लीट करनी है, उसके बाद अदला बदली करेंगे फंदों की। बिल्कुल आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स, ज़रूर बना के ट्राई करना। एक बार और करेंगे, दो उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, अब लास्ट रो। एक उल्टा, दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे, एक उल्टा, उतनी ही रो बना के हमने कंप्लीट कर ली। ये देखिए अब फिर से वैसे ही अदला बदली करेंगे, ध्यान से देखना फ्रेंड। पहले एक फंदा, इन दो फंदों में से पहले एक फंदा उल्टा बना लेंगे, अब ये वाले तीन फंदे, आगे वाले तीन फंदों को छोड़ के जो उसके आगे फंदे हैं उन्हें ऐसे निकाल लेंगे और इन आगे वाले तीन फंदों को इस सिलाई पर ले आएंगे, फिर आगे वाले तीन फंदे इधर ऐसे सिलाई पे ले लेंगे। एक उल्टा बनाया था, एक उल्टा बन गया, दो उल्टे आ गए, एक
सीधा आ गया। आगे फिर से दो उल्टे बनाएंगे, फिर एक सीधा बनाएंगे, एक उल्टा। अब इन फंदों को अदला बदली करेंगे। अब पीछे वाली साइड से तीन फंदे लेंगे, पीछे वाली साइड से तीन फंदे आगे लाएंगे और आगे वाले ये वाले फंदे पीछे लेके जाएंगे। इस सिलाई पे ले लेंगे। अब फिर से एक फंदा और ले लेंगे उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर से एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे। जैसे हमने फर्स्ट रो में स्टार्ट किया था फिर से वैसे ही फंदे बन गए, दो उल्टे एक सीधा, दो उल्टे एक सीधा, दो उल्टे एक सीधा, ऐसे ही फिर से। ये देखिए पूरा वही डिज़ाइन बन गया। ये देखिए फुल प्रोजेक्ट पे ये ऐसे बन के आएगा, ये देखिए ऐसे बनता जाएगा। बिल्कुल आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स, इसे बना के ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर योर टाइम। आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ।